Apollo 69. नई वीडियो में आपका स्वागत। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से जाइए और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको तुरंत आपके पास आने पाए। तो हम चलते हैं पहले तो रीकैम की ओर। हम देखते हैं अपना रीकैम। तो हमें थर्ड एपिसोड में पता चलता है कि गोकू को एक टर्टल मिलता है। वो गोकू उस टर्टल को लेकर सी के पास आता है और सी के पास आने के बाद टर्टल कहता है मधुमाली जिसके लहरा। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात होती है मास्टर जोशी से। और तो चलते हैं एपिसोड की और पहले तो आ चुका है चल। तो रोशी उतर कर कहता है टर्टल से तुम्हारी मदद किसने की थी। तो टर्टल कहता है कि इस लड़के ने मेरी मदद की थी। तो मास्टर जोशी उस लड़के को देखते हैं और कहते हैं इधर आओ। फिर टर्टल मास्टर जोशी को बताता है कि आप मैट को पहले किसी को दे चुके हैं। फिर मास्टर रोशी चिल्लाते किंतुन कम हियर। तब किंतुन आता है बहुत स्पीड से। फिर मास्टर रोशी कहते हैं इस किंतुन पे बस साफ दिल का ही बैठ सकता है। जैसे कि मैं कहते हैं और वो जैसे ही वो किंतुन के ऊपर छलांग लगाते हैं वैसे वो गिर जाता है और कोई मतलब। फिर जैसे ही गोकू चढ़ता है वो वैसे ही एक बार में वो उसके ऊपर सवारी कर लेता है। फिर उसके बाद गोकू तो अपने किंतोन के मज़े उड़ा रहा होता है। फिर उसके बाद बुनमा कहती है कि मैंने भी टर्टल की मदद की थी मुझे भी गिफ्ट दो। फिर टर्टल कहता है कि नहीं नहीं इसने मेरी कोई मदद नहीं की। फिर बुनमा कहती है मैंने तुम्हें सॉल्ट वाटर पिलाया था। फिर मास्टर रोशी पहले मैं बता दूँ मास्टर रोशी एक थर के बुड्ढा है। फिर चलते अपने मेन टॉपिक की ओर। मास्टर रोशी कहता है कि तुम मुझे अपना लाभ थोड़ा कुछ दिखा दो। फिर बुजमा शर्मा रही होती है टर्टल उनसे झगड़ने लगते इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं सुधरे आप अभी तक। फिर बुजमा दिखा देती है। फिर उसके बाद मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। फिर बुलमा उनके गले पर लटका हुआ ड्रैगन बॉल देखती है और कहती है कि मुझे एक ड्रैगन बॉल दे दो। फिर उसके बाद वो बुलमा गोकू को बुलाती है इधर आओ गोकू हमारे पास और एक ड्रैगन बॉल आ गई बिना किसी मेहनत के। तब मास्टर रोशी को पता चलता है कि ये ड्रैगन बॉल कीमती है तो वह वापिस से मांगने लगते। फिर से बुलमा उनकी इच्छा पूरी कर देती है। फिर उसके बाद टर्टल हरमिट अपने घर चले आता है। बुलमा और गोकू भी अपने घर चले जाते हैं। तब बुलमा घर जाती है और गोकू मजे उड़ा रहा होता है किंतुन के। तभी बुलमा चिल्लाती है और जैसे गोकू अंदर जाता है तो गोकू देखता है कि बुलमा बैठ के तरफ खड़ी है। और बुलमा कहती है कि नहीं चड्डी किसने निकाली। वो शर्मिंदा होके थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है। फिर गोकू कहता है कि मैंने सुबह निकाली थी। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि बुलमा गोकू के ऊपर बहुत गुस्सा है। बुलमा गोकू के ऊपर गन से फायरिंग करना शुरू कर देती है और फिर बाद में गोकू के कपड़े में छेद हो जाते हैं। फिर गोकू कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों चल जाते हैं अपने सफ़र पे। बुलमा अपना घर को फिर से छोटा कर लेती है कैप्सूल में। फिर आगे बुलमा कहती है कि तुम तो इतनी स्पीड से चल रहे हो मेरी बाइक में इतना स्पीड नहीं है क्या मैं इसके ऊपर चढ़ सकती हूँ। जैसे बुलमा कुत्ती हो वैसे उसको ज़मीन चाटनी पड़ती है। फिर आगे बुलमा गुस्सा होती है इतना ज़ोर से मत चलो ज़रा धीरे चलो मेरी बाइक की स्पीड इतनी ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बुलमा और गोकू एक जंगल की तरफ हैं। फिर उसके बाद गोकू को एक गाँव दिखता है किंतु उनके मदद से। तो हमारा एपिसोड बस यहीं तक था। तो